स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे जेनेरिक विषय की वर्कशीट। बच्चों तिथि है 21 अगस्त। ओके बच्चों कार्य पत्र संख्या है GS5, कक्षा है 6 से 8। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए लाल बटन दबा करके सभी मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए बच्चों वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय। तो देखिए बच्चों आप सभी को पता है वर्षा ऋतु बारिश स्टार्ट हो चुकी है। इस मौसम में बच्चों हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है और उनसे हम कैसे बचाव लेंगे। वर्षा ऋतु बीमारियां फैलाने के लिए सबसे अनुकूल समय होता है क्योंकि इस समय में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है और नमी फैल जाती है जिससे बहुत सी बीमारियां फैल जाती है। इसमें कुछ बीमारियां निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों वर्षा ऋतु में बीमारियां फैलने का बहुत अनुकूल समय होता है। इस समय क्या होता है जगह जगह बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और नमी फैल जाती है जिससे बहुत सी बीमारियाँ होती है। वर्षा ऋतुचर्या क्या खाएँ और कैसे रहें सावधान। देखिए बच्चों पहला है डेंगू। डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, अपने आसपास पानी एकत्र ना होने दे। तो देखिए बच्चों डेंगू क्या करता है, डेंगू जो बुखार है वो मच्छरों के काटने से फैलता है। इसके बचाव के लिए आप सभी को क्या पूरी आस्तीन के पूरे स्लीव्स के कपड़े पहन के निकलने चाहिए, ठीक है। और बच्चों ये जो मच्छर हैं ये साफ पानी में पैदा होते हैं तो अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। मलेरिया। मलेरिया वर्षा ऋतु में फैलने वाली एक आम बीमारी है जो वर्षा के पानी के इकट्ठा हो जाने से मच्छरों के पनपने से फैलती है। तो देखिए बच्चों मलेरिया कैसे फैलता है, एक आम बीमारी है जो वर्षा के पानी के इकट्ठे होने से मच्छर पनपते हैं और उससे ये फैलती है। ये मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलती है। बच्चों ये मलेरिया मादा मच्छर के काटने से फैलती है, अतः हमें आसपास पानी एकत्र नहीं होना देना चाहिए। हेजा। बरसात के दिनों में बासी भोजन व दूषित पानी पीने से हेजा हो जाती है। तो देखिए बच्चों बरसात के दिनों में अगर खाना खराब हो जाता है या दूषित पानी हम पीते हैं तो उससे हमें हेजा हो जाता है जिसमें पेट में ऐठन व दस्त हो जाते हैं, जिसके बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन और साफ जल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों इससे बचने के लिए हेजा ना हो इसके बचने के लिए हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए और साफ जल को पीना चाहिए। भोजन को ढककर रखे हुए पानी को छानकर या उबालकर हमेशा हमें पीना चाहिए। तो देखिए बच्चों बरसात में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा, डेंगू हेजा और मलेरिया। चलिए बच्चों यहाँ हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर का नाम लिखो। तो बच्चों मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है, मादा मच्छर, ठीक है, मादा मच्छर का नाम क्या है, एनाफिलीज। अगला प्रश्न है डेंगू मच्छर से बचने के लिए हमें किस तरह के वस्त्र पहनना चाहिए। तो बच्चों डेंगू से बचने के लिए हमें, देखिए हमने पढ़ा था कि पूरे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला देखिए हैजा फैलने के क्या कारण हैं। तो बच्चों हैजा कैसे फैलता है, बासी खाना व दूषित पानी पीने से फैलता है। हैजा से बचने के लिए हमें किस तरह का भोजन और पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों हमें ताज़ा भोजन वह साफ जल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों, प्रयोग करना चाहिए। अगला है बच्चों प्रश्न, खाली स्थान उच्चित शब्दों के द्वारा भरे। डेंगू का मच्छर कैसे पानी में पनपता है, तो डेंगू का मच्छर बच्चों साफ पानी में पनपता है, ठीक है। मलेरिया कौन सी ऋतु में फैलता है, तो मलेरिया वर्षा ऋतु में फैलता है। मलेरिया कौन सा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
गतिविधि वर्षा ऋतु पर एक सुंदर सा चित्र बनाइए जिसमें आपके बचपन की झलक हो और रंग भरिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र बनाना है वर्षा ऋतु का, जिसमें आपका बचपन झलक रहा हो। तो यहाँ बारिश हो रही है, इस तरह से बादल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ बारिश बनाएंगे आप, इस तरह से बारिश हो रही है। यहाँ एक बच्चा बनाएंगे छोटा सा, वो अपने यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है रोड पे, और वो यहाँ जैसे मैंने यहाँ बनाया है कि एक बच्चा है वो बारिश में नहा रहा है। इस तरह से आप सभी को एक चित्र यहाँ बनाना है सुंदर सा, और उसमें रंग भरना है। इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।